नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी के कहने पे मैं मेरे ब्लाउज के कलेक्शंस ले आई हूँ आप सभी के लिए, जो मैंने खुद से स्टिचिंग की है। आप सभी को पता है कि मैं मेरे ब्लाउज खुद स्टिचिंग करती हूँ। ब्लॉग में मैंने ये वाली साड़ी को वेयर किया था, साड़ी नहीं माफ कीजिएगा, साड़ी को मैंने नहीं वेयर किया था। इस ब्लाउज को मैंने हाल ही में सिला हुआ था, तो इसके पैपिन वगैरह जो होते हैं और तुरपाई वगैरह वो मैंने नहीं की थी। तो पूजा में मैंने इसको पहना था, तो आप सभी ने देखा था। और कई बार ही बोल रहे हैं, दीदी ब्लाउज कलेक्शन शेयर कीजिए, आप खुद से स्टिचिंग करती हैं, बहुत अच्छा ब्लाउज बनाती है, तो मुझे दिखाइए आप सभी। तो आप सभी के कहने पे ही मैं ये वाला वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। कहती हूँ कि आप सभी मुझे बहुत सारा प्यार देंगे मेरी इस वीडियो में, क्योंकि जो ब्लॉग होते हैं ना, ब्लॉग तो आप सभी मेरे देखते ही हैं, और ब्लॉग करने में, ब्लॉग की वीडियो बनाने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। चार चार बच्चे हैं मेरे, तो बच्चों को संभालते हुए ऐसी एक वीडियो बनाना तो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, चार अगर वो कुछ भी हम चाहें तो वो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। हम टाइम निकाल सकते हैं हर एक चीज के लिए जो काम हम करना चाहते हैं। तो मैंने आज टाइम निकाला है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को मेरे ये वाला ब्लाउज दिखा दूं। तो इसमें मैंने देखिए इस तरीके की डिजाइन बना रखी है, और दोनों आस्तीन में मैंने इस तरीके की डिजाइन बना रखी है, ये देख सकते हैं आप सभी इधर। तो पूजा में आप सभी ने देखा था तो बहुत ज्यादा पसंद किया था, ये वाला ब्लाउज दिखाइए, ब्लाउज दिखाइए। तो मैंने सबसे पहले यही वाली साड़ी पहन के मैं आप सभी के सामने आ गई कि आप लोग यही वाली सबसे पहले देखिए, क्योंकि इसे बोल रहे थे आप सभी देखने के लिए। तो इसे मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, और बॉर्डर इसका थोड़ा सा ठीक है, मतलब मोटा है। इसका जो फैब्रिक है ना वो एकदम बारीक वाला जॉर्जेट है इसका फैब्रिक, तो इतनी हैवी, मतलब अभी समर सीजन आ गया है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छी वाली गर्मी आ गई है, तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे पहनने में। कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, या फिर ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें हवा नहीं पास होता है, तो ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी साड़ी है। तो ब्लाउज को मैंने पीछे मैंने डोरी लगा रखी है ब्लाउज में, दिखाती हूँ आप सभी, ये देखिए पीछे मैंने डोरी लगा रखी है ब्लाउज में, और बैक ओपन मैंने बनाया है इस ब्लाउज को, बैक ओपन और पीछे डोरी लगा रखी है। और मैंने इसे प्रिंसेस कट में सिला हुआ है, तो चोली कट वाला मैंने नहीं सिला है, प्रिंसेस कट पे ये अच्छा लगता है, तो मैंने इसे प्रिंसेस कट बनाया हुआ है, पीछे डोरी लगा के बैक ओपन करके, अब जिसमें मैंने हुक लगाया हुआ है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट वाला ब्लाउज जो आप लोग देख रहे हैं, और सेकेंड वाला मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये देखिए। इसे भी मैं एक बारी पहन चुकी हूँ, तो आप सभी इसके बारे में भी पूछ रहे थे, ये देखिए ये ब्लाउज, तो ये कुछ इस तरीके से है। और पीछे मैंने गोल गला डाल रखा है इसका, गोल बना रखा है गला, ये कब से रखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा इसे इसमें सिकुड़न सी आ गई है, ऐसा हो गया है, ये देखिए अभी पीछे ठीक दिख रहा है ना। तो इसे भी मैंने खुद से बनाया है, और सेम कलर का मैंने यहाँ पे ब्लाउज का चुन दे करके ऊपर से मैंने इस कलर का लेस लगा दिया, गोल्डन लेस, तो जिससे कि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी स्लीव्स मैंने देखिए एल्बो तक की रखी है, मतलब पूरा यहाँ तक घुटने तक का है, और इसमें मैंने पतली सी पाइपिंग लगा रखी है, मतलब जो इसमें साड़ी के ब्लाउज के साथ जो हमें मिलता है लेस, वो मैंने हटा करके साइड में कर दिया था, और यही वाला ब्लाउज का कपड़ा उठा के मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना लिया था, क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था, मैंने सोचा ये वाला लुक करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। और इसमें मैंने लगा लिया है इस कलर का नेट, गोल्डन नेट, तो इससे ये अच्छा लग रहा है। और कोई भी साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो नेवी ब्लू है साड़ी का बॉर्डर, तो उस किसी भी साड़ी में मैं इसे चला भी सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्लीव बना रखी है दोनों, लेकिन मैंने इसे आगे की ओर ओपन किया है और बटन लगा के रखा है। तो ये रहा मेरा सेकेंड वाला जो आप सभी बोल रहे थे देखने के लिए, और ये रहा मेरा, मैंने जो अभी अभी इसे सिला हुआ है इस ब्लाउज को, तो ये इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप सभी। पीछे मैंने इसका गोल गला किया हुआ है, और इसमें मैंने इस तरीके से ये जो बेबी फ्रॉक में लगे होते हैं ना, आप सभी ने देखा होगा बेबी फ्रॉक में, या प्रिंसेस ब्लाउज में भी आप सभी देखा होगा, आप सभी ने वो भी लगा रहता है प्रिंसेस ब्लाउज में भी, मैंने कई बार देखा है। तो इस तरीके से मैंने इसे बना करके, और यहाँ पे मैंने एक बटन लगा रखी है, और ये बटन कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाता है, 10 रुपए का मिलता है या फिर 5 रुपए का, मैंने इसे 5 का ले आया है, लेकिन किसी किसी शॉप पे 10 रुपए का ये मिलता है। और मल्टी कलर है ये, देख सकते हैं आप सभी ना, ब्लाउज में भी मिल रहा है, और पिंक, रेड, ग्रीन, येलो कई कलर है इसमें, तो जिससे कि इस ब्लाउज का लुक चेंज हो जाएगा पहनने के बाद, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने इसमें इसका लुक चेंज करने के लिए लगा दिया है, ये देख रहे हैं आप सभी लेस, थोड़ा सा पास में मैं आप सभी को दिखाती हूँ इसका लेस कैसा है, गोल्डन है लेकिन देखने में ये ऐसा है, देख रहे हैं आप सभी ऐसा है ना, और ये ऐसा लग रहा है देखने में।
तो जिससे कि बहुत सुंदर लगेगा। और थोड़ा सा ये सिकुड़, अभी मैंने इसे पहना नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सिकुड़न सी इसमें आ रही है, तो प्रेस भी इस पे चलाना है। और स्लीव्स मैंने इसकी इतनी रखी है, ज्यादा बड़ी मैंने नहीं रखी है, क्योंकि हर ब्लाउज का लुक अलग अलग चेंज रहे तभी अच्छा लगता है, सेम सेम सारे ब्लाउज नहीं अच्छे लगते हैं। तो इस किसी की स्लीव बड़ी, किसी की स्लीव्स छोटी, मैंने ऐसे करके बना रखे हैं मेरे ब्लाउज को। और सारे ब्लाउज मैं खुद से स्टिचिंग करती हूँ, आप सभी को पता है। तो और हाँ, एक चीज और मैं आप सभी को बताना भूल रही हूँ, ये मैंने जो रेड लगा रखे हैं इसमें, इसका एक रीजन है। आप लोग सोचेंगे ग्रीन ब्लाउज है तो इसमें रेड मैंने क्यों लगा रखा है, गोल्डन तो चलो भाई चलता है, लेकिन मैंने रेड इसमें क्यों लगा रखा है, तो रेड मैंने इसलिए इसमें लगा रखा है। साड़ी है इसकी थोड़ी सी चुंदी टाइप में, थोड़ी सी मतलब बीच बीच में चुंदी टाइप सी, रेड 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 कलर का थप्पा दिया हुआ है, यहाँ वहां छीटे हैं रेड कलर के, तो इसलिए ये नेट है, तो इसलिए मैंने रेड रेड लगाया है, वरना मैं ग्रीन भी लगा सकती थी। तो साड़ी में यहाँ वहां थोड़ा थोड़ा सा लाल था, तो मैंने इसको लगाया, जिससे बहुत अच्छी जाएगी साड़ी पे ये, और साड़ी का लुक चेंज हो जाएगा ब्लाउज में केवल इसको लगाने से, ऐसा है। तो इसलिए मैंने इसको लगाया, आप सभी को मैं वीडियो की शुरुआती में बताना भूल रही थी, तो इसको ये मेन पॉइंट है, इसको मैंने बताना आप सभी को जरूरी समझा। तो ये रहा मेरा एक ब्लाउज, इसको भी मैंने एक बारी पहना है, तो आप सभी इसके बारे में भी बोल रहे थे कि इसकी ब्लाउज की जो कलेक्शन है वो शेयर कीजिए, ब्लाउज ये वाला दिखाइए दीदी आपने ये पहना है। इसका जो साड़ी है ना वो सेम कलर का है, इसकी साड़ी सेम कलर की है, थोड़ी सी इससे लाइट है लेकिन सेम कलर का है। तो ये भी मैंने देखा आप सभी ने जो बेबी फ्रॉक में लगे होते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसे बना के यहाँ पे लगाया है। और मुझसे यहाँ पे इस वाले ब्लाउज में एक गलती हो गई है, जो मैंने आप सभी को बता रही हूँ, आप सभी को कहाँ से गलती हुई है। तो इस कलर का मैंने ये लेस लगा रखा है ऊपर से, जैसे सिंपल ब्लाउज बनते हैं ना, सिंपल आस्तीन, बिल्कुल सिंपल आस्तीन, इस तरीके की आस्तीन सिंपल मैंने बनाई और ऊपर से इसे बना के लगा दिया, और फिर लेस लगा दिया बस। और गलती इसमें मुझसे ये हुई कि मैंने इसे पहले मुझे लगाना चाहिए था, फिर आस्तीन की स्टिचिंग मतलब फिटिंग करनी चाहिए थी, पहले मैंने फिटिंग कर दी फिर मैंने इसे लगाया, तो जिससे क्या हुआ आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिकुड़न आ गई, बीच में देख रहे हैं यहाँ पे सिकुड़न आ गई है। तो ये मैंने गलती कर दी थी, अब मैं इसे खोलूंगी बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, और साड़ी मेरी बहुत हल्की सी है, डेली वेयर के लिए है, तो फिर मैंने इसे नहीं खोला। और पूजा में पहन के गई थी एक बार मैं इसे, दोनों आस्तीन, ये वाली आस्तीन थोड़ी सी ठीक है, मतलब वो वाले सेकेंड बार जो पहले आप लोग देख रहे थे उसमें तो और ज्यादा सिकुड़न आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से मोती लगा दिए थे, ये देखिए इस तरीके से गोल्डन मोती हमारे यहाँ लोकल मार्केट में मिलती है, एक पैकेट में कम से कम 50 से ज्यादा मोतियाँ रहती हैं, और बहुत अच्छी मोती है, छूटती भी नहीं है। मैं इसे लेके आई हूँ मेरे लोकल मार्केट से, बहुत अच्छी मोती निकल गई, मैंने सोचा काले हो जाएंगे एक बार धोने में, लेकिन मैंने इसे दो बार धोला, अभी कुछ भी नहीं हुआ, इसे दो बार धोने के बाद भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, वैसा का वैसा ये मोती है। लेकिन हाँ, ऐसे ब्लाउज अच्छे लगते हैं देखने में, इसकी पूरा लुक चेंज कर देता है, और पार्टी वेयर में आ जाते हैं, जैसे किसी भी सिंपल साड़ी में हम बना सकते हैं, किसी भी हैवी साड़ी में बना सकते हैं, और आप सभी ने इसे देखा होगा मैंने मेरी सिंपल साड़ी में इसे बनाई हुई है, कोई हैवी साड़ी नहीं है, ब्लाउज देख के आप सभी को पता चल रहा होगा। और बैक में मैंने लगा लिया है इस तरीके से लेस और डोरी, तो गोल गला है मेरा पीछे का, ज्यादातर मुझे गोल गला पसंद है तो मैं गोल ही बनाती हूँ। तो और इस तरीके से मैंने लगा दी है बंधन में लटकन, क्योंकि मेरे किसी भी ब्लाउज में आप सभी ने लटकन जो रेडीमेड आते हैं उसे मैंने नहीं लगाया, आप सभी ने देखा होगा, मुझसे सुना भी होगा कि मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ मार्केट का लटकन। तो ये था मेरा ये वाला ब्लाउज का कलेक्शन। तो एक मेरा ये वाला ब्लाउज है येलो कलर का, और इसका साड़ी भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी, दो तीन वीडियो में बैक टू बैक बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये येलो कलर का मेरा ब्लाउज है, और इसमें मैंने नेट स्लीव लगा रखे हैं, नेट के स्लीव्स, और ये देख रहे हैं आप सभी, ब्राउन कलर है, ब्राउन या फिर कत्थई कुछ भी बोल सकते हैं आप सभी से। तो क्योंकि मैंने इसका एक रीजन है, ब्राउन मैंने इसमें क्यों लगवा रखी है स्लीव्स, क्योंकि ब्राउन साड़ी का बॉर्डर है, इसलिए साड़ी के बॉर्डर से मिलता जुलता हुआ लेस या फिर पीछे का डिजाइन कुछ भी बनाए या फिर स्लीव्स रहेगा तो बहुत अच्छा साड़ी का लुक आएगा, देखने में बिल्कुल यूनिक लगेगा, पार्टी वेयर लगेगा, हाउस वाइफ को पहनेंगी तो बिल्कुल कोई देख के पहचान नहीं पाएगा कि हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ जो है वो अगर चाहे तो घर बैठे अपना लुक चेंज कर सकती हैं, अपने साड़ियों का, अपने ब्लाउज का कलेक्शन खुद से चूज कर सकती हैं, और इस तरीके से बना सकती हैं, जैसे कि देखने में बिल्कुल हाउस वाइफ जैसी नहीं रह जाएंगी, बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, उनकी जो है रियल उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज सी दिख, उनको एक बार ब्लाउज इस तरीके से बना के देखिए आप सभी, बहुत अच्छा लगेगा। और इसका बॉर्डर इस तरीके से है, इसमें लगे हुए मिरर, लेकिन ये मिरर जो आप सभी देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक है, सच्ची मुच्छी वाले नहीं है ये मिरर, तो इस तरीके से है ये,
और पीछे मैंने इस तरीके से डोरी लगा रखी है, ये देख सकते हैं आप सभी, पीछे मैंने डोरी लगा रखी है। और जो मेरी ब्लाउज की लंबाई होती है वो 15 इंच होती है मेरी ब्लाउज की लंबाई, और इतनी ही लंबी मुझे पसंद है ब्लाउज। तो पीछे देखिए गोल गला है, और मैंने कमर पे भी पीछे की इस तरीके से लैस लगवा रखी है, और इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे भी लैस लगवा रखी है गले पे। आगे मैंने बटन लगा रखे हैं, और स्लीव्स इस तरीके की है, फुल स्लीव्स मैंने की है, यहाँ तक की है स्लीव्स इसकी। तो फोटो में लगा दूंगी, तो आप सभी फोटो में देखेंगे तो ज्यादा आप सभी को समझ में आएगा कि। और लाइक भी कीजिएगा, जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी मेरे ब्लॉग नहीं देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक दिन डेली 10 बजे मैं मेरे इस चैनल पे अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो आप सभी मेरे ब्लॉग के देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सभी को अपने अगले ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।